नेचर में ज्यादातर एनिमल्स को स्लीप की जरूरत होती है, यहाँ तक कि ब्रेनलेस क्रीचर्स जैसे कि जेलीफिश भी स्लीप जैसी एक स्टेट में चले जाते हैं जहां पर वो पल्स कम कर रहे होते हैं और वो फूड और मूवमेंट को लेकर काफी स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जब कोई एनिमल स्लीप में जाता है तो उसके आसपास जो खतरे मौजूद होते हैं या जो उन्हें जरूरतें होती हैं वो अचानक खत्म नहीं हो जाती हैं, और इसीलिए कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स ने एसिमेट्रिकल स्लीपिंग को मास्टर कर लिया है, जिसमें कि ब्रेन का एक पार्ट तो स्लीप में चला जाता है लेकिन दूसरा पार्ट ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्लीपिंग और एसिमेट्रिकल स्लीपिंग को ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सभी वर्टिब्रेट्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दोनों पार्ट्स बॉडी के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। जब कोई एनिमल सो रहा होता है तो उसके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर में एक्टिविटी का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, लेकिन एसिमेट्रिकल स्लीपिंग में ब्रेन का एक हेमिस्फीयर तो डीप स्लीप में चला जाता है लेकिन दूसरा हेमिस्फीयर कुछ हद तक एक्टिव रहता है। और एसिमेट्रिकल स्लीपिंग का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है जिसे कि हम यूनि हेमिस्फेरिकल स्लीपिंग कहते हैं, जिसमें ब्रेन का एक हिस्सा तो डीप स्लीप में चला जाता है लेकिन दूसरा हिस्सा पूरी तरह से एक्टिव रहता है। और काफी सारे एनिमल्स और कई सारी बर्ड्स ने एसिमेट्रिकल स्लीपिंग ही नहीं बल्कि यूनि हेमिस्फीयर स्लीपिंग को भी काफी हद तक मास्टर कर लिया है। फर सील्स मैमल्स होते हैं जो कि सीज और ओशंस में कई हफ्तों तक तैर सकते हैं। मैमल्स होने की वजह से ये सिर्फ हवा में ही सांस ले सकते हैं और इसकी वजह से इन्हें एटलीस्ट एक नॉस्ट्रिल को पानी के सरफेस से ऊपर रखना होता है लगातार। तो अगर इनके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स एक साथ सो जाएंगे तो ये अपनी नॉस्ट्रिल्स को पानी के सरफेस से ऊपर नहीं रख पाएंगे, और इसीलिए फर सील्स ने यूनि हेमिस्फेरिक स्लीपिंग को मास्टर कर लिया है। फर सील्स जब भी सोते हैं तो इनके ब्रेन का एक हेमिस्फीयर डीप स्लीप में चला जाता है और दूसरा हेमिस्फीयर अवेक रहता है। यह दूसरा हेमिस्फीयर इनकी नॉस्ट्रल्स को पानी के सरफेस के ऊपर मेंटेन किए रखता है। इसी के साथ साथ इनकी एक आंख जो कि पानी के सरफेस के ऊपर होती है वह बंद रहती है, लेकिन दूसरी आंख जो कि पानी के सरफेस के नीचे है वह खुली रहती है थ्रेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसा ही कुछ बॉटल नोज डॉल्फिन्स के साथ भी होता है। बॉटल नोज डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं जिन्हें कि कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है सांस लेने के लिए। इनफैक्ट जब बॉटल नोज डॉल्फिन के काफ्स पैदा होते हैं तो उन्हें कई हफ्तों तक लगातार स्विम करते रहना होता है ताकि वह सांस लेते रह सके, और इसीलिए बॉटल नोज डॉल्फिन्स भी यूनि हेमिस्फीयर स्लीप की स्टेट में जाती हैं, जहां पर उनके ब्रेन का एक हेमिस्फीयर डीप स्लीप में चला जाता है और दूसरा हेमिस्फीयर अवेक रहता है जो कि उन्हें सांस लेने में और खतरों से बचने में हेल्प करता है। मरीन मैमल्स की तरह ही कई सारी बर्ड्स ने भी यूनि हेमिस्फीयर स्लीपिंग या एसिमेट्रिकल स्लीपिंग को मास्टर कर लिया है। मलार्ड डक्स ग्रुप्स में सोया करती हैं क्योंकि नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है। कोई भी एनिमल अगर आपको खाने की कोशिश कर रहा है और आप काफी सारे नंबर्स में इकट्ठा है तो आप उन एनिमल्स को बेहतर तरीके से फेंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में सोने के बावजूद भी कुछ डक्स ऐसी होंगी जो कि इस ग्रुप की पेरिफेरी पे होंगी, और ऐसी डक्स को हमेशा खतरा बना रहेगा दूसरे एनिमल्स से, और इसीलिए वह डक्स जो पेरिफेरी पे रह जाती हैं इस ग्रुप में वह यूनि हेमिस्फेरिक स्लीपिंग ही करती हैं। उनकी एक आंख जो कि ग्रुप की तरफ फेस कर रही होती है वह बंद हो जाती है और ब्रेन का वह हिस्सा भी सोने लगता है। वहीं इसके ऑपोजिट वह आंख जो कि बाहर की तरफ फेस कर रही होती है वह ओपन रहती है और ब्रेन का वह हिस्सा भी एक्टिव रहता है। मलार्ड डक्स की तरह ही काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी माइग्रेशन के टाइम पे एसिमेट्रिकल स्लीपिंग या यूनि हेमिस्फेरिकल स्लीपिंग करती हैं। माइग्रेशन के टाइम काफी सारी बर्ड्स लगातार कई हफ्तों तक हवा में उड़ती रहती हैं और इन्हें लैंड करने का टाइम नहीं मिलता, और इसीलिए यह उड़ते हुए ही सो लेती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स में उड़ते हुए ब्रेन का एक हेमिस्फीयर या कई बार ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सो जाते हैं। इन बर्ड्स में उड़ते हुए जब ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सोते हैं तो वो जनरली कुछ सेकंड्स के लिए होता है।
अब यह क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या यूनिहेमिस्फेरिक या एसिमेट्रिकल स्लीपिंग के बेनिफिट्स उतने ही हैं जितने कि जब ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सो जाते हैं के होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अभी इस बारे में इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्होंने फर सील्स को सोते समय कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करने की कोशिश की है और उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इसके बाद फर सील्स जनरली दोनों हेमिस्फीयर की स्लीपिंग को प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स बॉटलनोज डॉल्फिन्स के साथ भी किए गए हैं और उसमें यह ऑब्जर्व किया गया है कि वह यूनिहेमिस्फेरिक स्लीपिंग को ही प्रेफर करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉटलनोज डॉल्फिन्स अपने ब्रेन्स के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग टाइम पर डीप स्लीप में भेज सकती हैं। इसकी वजह से उनके ब्रेन को कंप्लीट रेस्ट मिल जाता है और वह यूनिहेमिस्फेरिक स्लीपिंग को प्रेफर करती हैं। लेकिन हम ह्यूमंस का क्या, क्या हम ह्यूमंस भी एसिमेट्रिक या यूनिहेमिस्फेरिक स्लीपिंग करते हैं? वेल, तो इसका शॉर्ट आंसर है यस। शायद आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप बिल्कुल नई जगह पे जाते हैं और रात में सोने की कोशिश करते हैं तो आपको पहली रात में ढंग से नींद नहीं आती है। यह एसिमेट्रिक स्लीपिंग का ही नतीजा होती है। जब आप बिल्कुल अनजान जगह पर सोने की कोशिश करते हैं तब आपके ब्रेन का एक पार्ट तो पूरी तरह से डीप स्लीप में चला जाता है, लेकिन दूसरा पार्ट कुछ हद तक अवेक रहता है थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यह एक्चुअली हमारे एवोल्यूशन का ही नतीजा है। इवन दो आज हम ह्यूमंस ओपन में नहीं सो रहे होते हैं, लेकिन एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को कुछ इस तरह से डेवलप किया है कि बिल्कुल नई जगह पर जाने पर हमारा ब्रेन रात में कुछ हद तक एक्टिव रहता है किसी भी थ्रेट को जल्दी रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो अगर किसी नई जगह पर जाने पर आपको फर्स्ट नाइट पर ढंग से नींद ना आए तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन ढंग से फंक्शन कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।